सो फाइनली स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, चाहे आप व्यापम की तैयारी करें चाहे पीएससी की तैयारी करें, ठीक है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। आज की क्लास देखेंगे, पार्ट वन में आपका रहेगा नदियाँ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके 5 से 6 नंबर चाहे व्यापम में पूछे चाहे पीएससी में पूछे, ठीक है। 5 से 6 नंबर पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ से, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं। मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, टेस्ट क्लास, ठीक है। टेस्ट चलेगा आपका जो लोग व्यापम में पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की क्लास स्टार्ट है, छत्तीसगढ़ की क्लास डेली कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क के साथ 20 नवंबर से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद कीजिए, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी कि 4 टिप का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो लोग हॉस्टल वार्डन है, एसआई भर्ती या सब इंस्पेक्टर, जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे या फिर अभी हाल ही में पीएससी प्री एग्ज़ाम का होने वाला है, ठीक है, 12 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। पीएससी प्री एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट क्लास है। सबसे पहले हम वन लाइनर का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो तैयार हो जाइएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। देखिए, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसी को आज से मैं नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ, ठीक है। जो बच्चे वीडियो को लाइक कर दिए हैं, सब्सक्राइब कर दिए हैं, उसी को डेली क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। जो नांद घाट है, किस नदी के किनारे स्थित है, आपका CGPSC CMO एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ प्रश्न है। आपका शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वन लाइनर का, हसदेव नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है। जो हसदेव नदी है आपका, कौन से जिला के किनारे स्थित है, तो सीजी महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है 2009 में, तो आपका हो जाएगा कोरबा, ठीक है। हसदेव नदी है जो कोरबा जिला के में स्थित है, किनारे में, ठीक है। अब देखते हैं, तालागांव नदी किस किनारे बसा है। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल व्यापम और पीएससी में पूछा गया है। देखिए, तो ताला विकास लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तालागांव है ये, मन्यारी नदी के किनारे स्थित है, ये आपका हो जाएगा तालागांव है वो, ठीक है। तालागांव है वो, मन्यारी नदी के किनारे स्थित है। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो जो रायपुर है आपका खारू नदी, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हाँ, देखिए, हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें या फिर एसआई भर्ती की तैयारी करें या फिर पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें, बिल्कुल फ्री क्लास है, निःशुल्क के साथ, कोई पैसा आपको नहीं लिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, समझो आपका 70% सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मैं वही क्लास लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि रायपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका खारू नदी हो जाएगा। उसी प्रकार रायपुर के प्रसिद्ध मेला, जो रायपुर का प्रसिद्ध मेला होता है, कौन से नदी के तट पर लगता है, ये आपका छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को बार बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि यहाँ से आपका बिल्कुल 70% पूछे जाएंगे, ठीक है। जो रायपुर है वो खारू नदी के तट पर स्थित होता है, इसीलिए आपका रायपुर का जो प्रसिद्ध मेला है खारू नदी के तट पर लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जितने भी क्वेश्चन है, देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, व्यापम RI में, CGPSC में, व्यापम 2014 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उसी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आपकी सहायता कर सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद है हसदेव तट पर स्थित है चंपा। उसके बाद है जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। मैं आप सभी के लिए बार बार बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ की नदियाँ की क्लास चल रही है, ठीक है, नदी से जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वहाँ से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि जो हसदेव नदी, ये तो हमने देख लिया है, उसके बाद जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी को मालूम होगा इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, CGPSC 2016 में आया हुआ है। उसी प्रकार शिवनाथ नदी के किनारे स्थित शहर, तो जो शिवनाथ नदी है आपका दुर्ग है, राजनांदगांव जिला है, ठीक है, दुर्ग जिला और राजनांदगांव जिला है जो शिवनाथ नदी के किनारे में बसा हुआ है, ठीक है। ये व्यापम 14 में पूछा गया है। देखिए, जो शिवनाथ नदी है दुर्ग में जो गणेश विसर्जन किया जाता है, यहाँ पर यहीं से विसर्जन किया जाता है, ठीक है। दुर्ग किसके कौन से तट पर स्थित है, मतलब उस गाँव या शहर का नाम है, तो आपका भिलाई, ठीक है।
जो भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट रहता है ना, वहाँ पर जो दुर्ग है उसके बाद राजनांदगांव। तो अच्छा ये बताइएगा कि राजनांदगांव जिले में कौन सी देवी माता प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, जो राजनांदगांव है, ठीक है, राजनांदगांव है वो कौन सी देवी माता प्रसिद्ध है, ये आप राजनांदगांव में कौन सा देवी माता प्रसिद्ध है। चलिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, डोंगरगढ़ जैसे का, ठीक है। अब डोंगरगढ़ मान लीजिएगा, डोंगरगढ़, तो डोंगरगढ़ में कौन सी देवी माता प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है, ये आप सभी को मालूम होगा। जो छत्तीसगढ़ का राजकीय जल मार्ग है वो सबरी नदी के तट पर है, CGPSC में पूछा है 13 में, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कलमा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो महानदी, ठीक है, जो महानदी है वो कलमा बांध प्रसिद्ध है, 17 में आया हुआ है, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम और PSC का। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है, देखिए फिलहाल यहाँ पर जो गंगरेल बांध था उसका नाम चेंज कर दिया गया है, रविशंकर बांध कर दिया गया है, ठीक है, ये व्यापम 17 में पूछा है, ठीक है। चलिए बताइएगा कि जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर SI भर्ती या PSC की, अगर तीनों ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न रट ले, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हाँ, एक और बात है, जो लोग वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाइएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसी को अब मैं नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ। जो सब्सक्राइब किए हैं या फिर बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट किए हैं, ठीक है, जब भी मैं ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं कोर्स कम्प्लीट करा दूँगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आ गए हैं, तब देखिए हाँ बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन हैं व्यापम और PSC का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना बांध है, ये आपका खरखरा बांध जो है मिट्टी से बना है, ठीक है, ये फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ है, फूड इंस्पेक्टर 2008 में, ठीक है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे सिंचित जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे जो सिंचित जिला है आपका नारायणपुर है, CGPSC 2019 में, और ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, ये रुद्री बांध, रुद्री बैराज बांध है जो सबसे पुराना बांध है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये एग्जाम में बार बार आता है, खुटा खान बांध किस पर निर्मित है, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो अब खारंग नदी, ठीक है, ये इसके बाद है किस नदी पर मिनी माता परियोजना है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हसदेव नदी, ठीक है, हर बार एग्जाम में आता है, जो मिनी माता है हसदेव नदी के किनारे स्थित है। और छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध बांगो बांध है, कौन सा है, बांगो बांध, ये PSC 2018 में आया है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किस जिला में हसदेव बैराज स्थित है, ये आपको कोरबा जिला है, CGPSC में आया है। अब देखिए CGPSC भी पूछा गया है, व्यापम के पटवारी भी आया है, और ये इसमें भी आया है 17 में, ठीक है, और ये इसको याद कर लीजिएगा, रिहंद नदी। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, देखिए रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो रिहंद नदी आपका सोन नदी की सहायक है, वन यानी कि व्यापम के लेखापाल यानी कि वन क्षेत्रफाल में पूछा गया है 17 में। और जो ये सोन नदी है उसी को हम गंगा नदी कहते हैं, ठीक है, सोन नदी को हम गंगा नदी कहते हैं। तो आप सभी बताइएगा ये तीन नदियों का संगम है राजिम, ठीक है, राजिम जो है तीन नदियों का संगम है, राजिम नदी, ए राजिम जो है तीन नदियों का संगम है, तो कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये तीनों नदियां हैं, कौन कौन से नदी का संगम है राजिम, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को मैं 60 सेकंड का समय देता हूँ, ठीक है, 60 सेकंड का समय देता हूँ, वो टाइमिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब क्या आएगा, राजिम कौन कौन से नदियों का संगम है, जल्दी से देखिए, दो तीन लोगों का आंसर पहला आ चुका है, महानदी, ठीक है, बिल्कुल सही है, महानदी, महानदी आ चुका है, और कितना क्या आ रहा है, महानदी और क्या आ रहा है, जल्दी से कमेंट करें, हाँ बिल्कुल क्या आ रहा है कमेंट में, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी है, ठीक है, महानदी, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदी महानदी है, ठीक है, CGPSC 2013 में पूछा गया है, कौन बोल रहा है, इंद्रावती नदी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूछ रहा हूँ तो महानदी बताइएगा ना। चलिए अब बताइएगा कि आभनेर मुस्का एवं पिपरिया नदियों का संगम पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए, 60 सेकंड का समय है आपके पास, क्या आएगा,
आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों का संगम है। जल्दी से बताइएगा क्या आएगा। बिल्कुल आंसर आने वाला है। हाँ चलिए पोलिंग वोट करते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन डी क्या आएगा, पोलिंग वोट में कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिएगा सर, 60 सेकंड का समय दिया गया है आपको। क्या आ रहा है आंसर? देखिए आंसर में खैरागढ़ आ रहा है, ठीक है। बी लोगों का आ चुका है 70%, इसका 60%, इसका 20%, इसका कोई नहीं पूछ रहा है। यानी कि चलिए ऑप्शन बी में चलिए जाते हैं, खैरागढ़। क्या आएगा आंसर? आंसर खैरागढ़ आ रहा है, ठीक है। अब ये बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या आएगा? इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है कालाहांडी, बैलाडीला, देवघर की पहाड़ी या खुर्जा पहाड़ी, क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्या आएगा आंसर? आएगा क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करें। ओडिशा, इंद्रावती नदी ओडिशा। बिल्कुल सही है, ओडिशा वाले जितने भी जा रहे हैं उन लोगों का सही आंसर है, 70% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। कालाहांडी है जो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है और वो आपको उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, दुधवा जलाशय। ये आप बिल्कुल सही है, देखिए बहुत लोगों का आंसर आ चुका है। क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल सी आंसर आ रहा जो है, ठीक है। दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, महानदी पर। चलिए कितने लोगों का आंसर महानदी आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 20% लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन में है बोल रहे हैं वो। कौन सा कंफ्यूजन में है? यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है ना। देखिए अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आप कंफ्यूजन है करके छोड़ दोगे क्या? कमेंट करो, जिसको भी पता है कमेंट कर दो ना भाई, गलत होगा तो आप मैं आपको बता दूंगा। दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? देखिए महानदी, महानदी सभी लोगों का आंसर आना चालू हो गया है, महानदी। तो चलिए इसका आंसर महानदी ही होगा, ठीक है। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, जल्दी से बताइएगा। क्या आएगा आंसर? ए, क्या आएगा आंसर? ए बी सी या डी, क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए 60 सेकंड का समय दिया जा रहा है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हाँ जो लोग हॉस्टल वाडा ना, एसआई भर्ती, पीएससी एग्जाम है ना, जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम पीएससी है नहीं, उनके लिए बेस्ट क्लास है। चलिए बताइएगा मनियारी नदी का क्या आएगा, ए बी सी डी। तो देखिए डी आंसर बहुत लोगों का आंसर आ रहा है डी, उसके बाद सी का छोटा सा आ रहा है और बी का भी बड़ा आ रहा है और ए का भी बड़ा आ रहा है। तो मनियारी नदी, देखिए जो मनियारी नदी ताला गांव, ठीक है, यहाँ आसपास के किनारे कौन सा है, शिवनाथ नदी है, ठीक है। तो शिवनाथ नदी ही आएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवनाथ नदी ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तांदुला नदी का उद्गम स्थल क्या आएगा, तांदुला नदी का उद्गम स्थल क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तांदुला नदी, ये जो तांदुला नदी है, चलिए ऑप्शन देता हूँ मैं, ए बी सी डी। ए क्या ऑप्शन कहता है, कांकेर जिला, बी ऑप्शन है राजनांदगांव जिला, सी है दुर्ग जिला और ए डी है बिलासपुर जिला। और सभी का आंसर आ चुका है कांकेर जिला, ठीक है। कि एक एक 2% पूछ रहे हैं राजनांदगांव। तो देखिए जो तांदुला होता है आपका कांकेर जिला में ही आएगा, ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। अब बताइएगा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा यानी कि महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये आप सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत है और सिहावा पर्वत 90 लोगों का आंसर आ चुका है, 90%, ठीक है। राजपुरी प्रपात किस जिले पर स्थित है, जो राजपुरी है कौन सा है, जसपुर में, ठीक है, राजपुर है जसपुर में। चित्रकूट जलप्रपात, इसका तो सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चित्रकूट प्रपात है जलप्रपात जो बस्तर जिले की कौन सी नदी पर स्थित है, तो सभी का आंसर ए आ चुका है, 99% लोगों का आंसर आया है इंद्रावती नदी जो कि चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में, एक मिनट ना, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी
रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा को निर्धारित करती है। जल्दी से बताइएगा जो है रायपुर और जांजगीर चांपा, ठीक है, जो जिले की सीमा को निर्धारित करती है क्या आएगा? हाँ जल्दी से बताइएगा क्या आएगा? सिमनाथ नदी। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है बी, सिमनाथ नदी, सिमनाथ नदी। हाँ तो देखिए जो रायपुर है आपका, आप पता नहीं क्या, रायपुर और ये जांजगीर चांपा जो जिला है वो आपका महानदी आएगा, ठीक है, और जितने भी सिमनाथ में गए हैं वो आपका दुर्ग जिले में आएगा, दुर्ग राजनांदगांव जिले में, ठीक है, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में आएगा बी, ठीक है, और जो रायपुर है वो आपका महानदी आएगा, ठीक है, महानदी जो तीन नदियों का संगम बताए थे ना वैसे ही है। अब इसका बताइएगा एग्जाम में कई बार आता है ये वाला, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, पीएससी का 2015 में पूछा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ये आपका दक्षिण हो गया, नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर बसे नदी। चलिए बताइएगा ऑप्शन ए है सिरपुर राजिम शिवरी नारायण पिलारी, ये पिलारी नहीं है पलारी है, ठीक है पलारी, उसके बाद है राजिम सिरपुर पलारी शिवरी नारायण। तो देखिए जो शिवरी नारायण देखिए लास्ट में है ना ये ऊपर, ये गर्म स्थान है, गर्म स्थान राजिम, उसके बाद सिरपुर, फिर पलारी, फिर शिवरी नारायण, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, ये हम दक्षिण में, दक्षिण में राजिम है, उसके बाद धीरे धीरे हम उत्तर की ओर जाते हैं, जैसे कि ये देखिए पहले हम राजिम पहुंचते हैं, राजिम के बाद आपका आ जाएगा सिरपुर जाएंगे, ठीक है, सिरपुर जाने के बाद आप पलारी जाओगे, पलारी आने के बलौदा बाजार जिला, ठीक है, जो इधर आपका भाटापारा इधर सब कुछ जो जो क्षेत्र है ना ये सब इधर आसपास में है, हाँ खरौरा रायपुर खरौरा आरंग इधर ही है, ठीक है, इसके बाद आप जाओगे इधर यानी कि शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण में कौन सा प्रसिद्ध है देवता, शिवरी नारायण में आपका हो जाएगा विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर और राम मंदिर, ठीक है, ये आपके लिए प्रसिद्ध है। चलिए छत्तीसगढ़ की क्या आता है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी, सिमनाथ नदी है, आंसर ऐसे ही बता दिए हैं सर लोगों ने। सूखा किस नदी की सहायक नदी, जल्दी से बताइए सूखा किस नदी की सहायक नदी है, जो सूखा नदी है आपका महानदी की सहायक नदी है, देखिए महानदी जो है यहाँ पर इसके यहाँ पर आसपास में जो सूखा नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब देखते हैं राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है, छत्तीसगढ़ का देखिए जो छत्तीसगढ़ का चौड़ा जलप्रपात है आपका चित्रकूट जलप्रपात, बिल्कुल सही आंसर ए है चित्रकूट जलप्रपात। चलिए पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है, क्या आएगा ए बी, चलिए मैं आपको आंसर देता हूँ, ए बी, बी सी या आपका सी ए, क्या आएगा, पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी मिलती है, ये जोंक नदी तो मिलती नहीं है, इसको पूरा डिलीट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा बी और सी यानी कि तेल और पैरी, ठीक है। चलिए ये इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य महानदी बेसिन महानदी किसकी सहायक नदी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जो आप कहीं भी अगर महानदी पढ़ रहे हैं बेसिन का तो आपका सिमनाथ नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है, जल्दी से बताइएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य, जो छत्तीसगढ़ राज्य है और उड़ीसा के जो मध्य बीच में जो जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, आपका हो जाएगा डी, आंसर किसी को मालूम नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इंद्रावती नदी हो जाएगा, इंद्रावती नदी को लेकर यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में बंटवारे को विवाद चल रहा है। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है, केंदई जलप्रपात जल्दी से बताइए, केंदई जो जलप्रपात होता है आपको कोरबा जिले में स्थित है, केंदई कोरबा जिले में स्थित है। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है, क्या आएगा तीरथगढ़ का, क्या आएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा, तीरथगढ़ आपका महादेव, महादेव घूमर,
ठीक है। और ये आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। बस्तर संभाग को दो भागों में, जो बस्तर संभाग है उसको दो भागों में विभक्त करती है, ठीक है। और कौन सी नदी है, तो आपका आ जाएगा आंसर सी, इंद्रावती नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी है जो आपको बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त कर देती है, अलग अलग कर देती है। अब चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आप आंसर जरूर दीजिएगा, क्या आएगा। चित्रकूट जलप्रपात का प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या होगा, जो चित्रकूट जलप्रपात है क्या है, सर्वाधिक चौड़ा है, सर्वाधिक ऊंचाई है, या सर्वाधिक दुर्घटनाएं है, धार्मिक संबंध है, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। यहाँ पर देखिए जो लोग 70 लोगों ने यहाँ पर क्लास ज्वाइन किए हैं, 70 लोग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। और चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है, क्या चीज़ है, चित्रकूट जलप्रपात चौड़ा है, ऊँचा है, लंबा है, क्या है, कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी को पोलिंग बोर्ड दे दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी या डी। और सबसे पहले यहाँ पर मैं बात बोल दूँ कि यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आया है ए और बी आंसर आ रहा है, कितने लोगों का ए और बी आंसर आ रहा है, तो देखिए इसका और इसका में क्या आएगा आंसर, चित्रकूट जलप्रपात चौड़ा है या ऊँचा है, क्या आएगा। चलिए ये तो गलत हो चुका है, ऑप्शन ए और बी दिख रहा है, ठीक है, तो चौड़ाई है या ऊँचाई है, चित्रकूट जलप्रपात क्या है, कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा, मतलब यहाँ पर बताइएगा कि आप हॉस्टल वाडा में तैयारी करना चाहते हैं या एसआई भर्ती की या फिर पीएससी पी एग्ज़ाम की, ठीक है। इन तीनों क्लासेस के लिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर प्लेलिस्ट पर पूरा अलग अलग क्लासेस कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है, जाइएगा, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास से, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहाँ से आपको बिल्कुल पूछा जाएगा। मध्यकालीन का इतिहास हमने कंप्लीट करा चुका है, मध्यकालीन का जो इतिहास करा था वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, जाइएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाइएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा क्या रहा है इसका आंसर।